पॉलिटिक्स में जितना बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या बोला जाना चाहिए यह तय करना भी महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो पॉलिटिशियन जो भी बोलते हैं सोच समझकर ही बोलते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा बनने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। नेताओं के विवादित बोल उन्हें मुसीबत में फंसा देते हैं, सोशल मीडिया पर भी उनके बयान वायरल होने लगते हैं। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जिनके जुबान फिसलने के बाद भारी हंगामा हो गया, बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी या फिर थिथर की तरह सफाई देनी पड़ी। जुबान फिसलने वाले नेताओं में कुछ बिहार के हैं तो कुछ बाहरी नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की। इनकी ऐसी जुबान फिसली कि लोकसभा में हंगामा हो गया। ये पश्चिम बंगाल के सांसद हैं। दरअसल यह वाकया है 27 जुलाई 2022 का। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर ऐसा शब्द बोल दिया कि लोकसभा के मॉनसून सत्र में राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो गया। लोकसभा के अंदर का हंगामा ओडिशा विधानसभा पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद ही तो सदन में हंगामा बरपा। मामला यहां तक पहुंच गया कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में भी नोकझोंक हो गई। बाद में सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन ने तो पहले ही माफी मांग ली है, इसे लेकर वे जल्द ही राष्ट्रपति से मिलेंगे और उनसे मिलकर भी माफी मांगेंगे। दूसरे और अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया था। मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं, मेरे मुंह से गलती से यह शब्द निकल गया, मैं राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन मैं बीजेपी वालों से माफी नहीं मांगूंगा। बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को तूल दे रही है। अब बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की। ये बिहार से आते हैं। यह सितंबर 2018 का वाकया है। उस समय भी अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री थी। तब चौबे ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नाली का कीड़ा बताया था, साथ ही उन्हें मानसिक रूप से बीमार भी कहा था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को तो सिजोफ्रेनिया हो गया है। इस बीमारी से ग्रसित लोग दूसरों को पागल कहते हैं और खुद क्या है ये नहीं समझते। दरअसल उस समय देश में राफेल डील को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई थी। राफेल को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ी टिप्पणी की थी। इसी से अश्विनी चौबे काफी गुस्से में आ गए और राहुल गांधी को धर के सुना दिया। तब चौबे ने राहुल गांधी को कहा था कि ऐसा तो वही कह सकता है जो खुद सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो। राहुल गांधी को तो मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए। राहुल झूठी बातों का दुष्प्रचार कर पीएम पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। आज के कांग्रेस का आकार तो नाली के कीड़े के आकार जैसा हो गया है। जुबान फिसलने में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पीछे नहीं है। यह तो आपको पता ही है कि हाजिर जवाबी में लालू यादव का कोई जोड़ नहीं। उनका बिहारी ठेठ अंदाज पूरे देश में लोकप्रिय है। कुछ अटपटा बोल देते हैं तो उसे मैनेज भी करते हैं। पिछले साल ही उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को भक्त चूनहर कह दिया था। तब इसी पर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी बवाल मचा था। बाद में उन्होंने भक्त चूनहर का मतलब बेवकूफ बताया था, लेकिन 2015 में विधानसभा चुनाव के समय लालू यादव की भी जुबान फिसली थी। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन में थी। लालू पहले से ही महागठबंधन में थे। उस समय रामविलास पासवान जिंदा थे, तब लोजपा भी नहीं बटी थी। उस चुनाव में रामविलास के साथ जीतन राम मांझी एनडीए में थी। तब लालू यादव ने रामविलास और मांझी के लिए कहा था कि ये दोनों डाल से गिरे बंदर की तरह है जिन्हें कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता। अब तो दोनों की मजबूरी है कि बीजेपी का कहना माने और उन दोनों को बीजेपी कह रही है कि 10-5 सीटों में चुनाव लड़ लो नहीं तो घर जाओ। इसे लेकर उस समय खूब बवाल मचा था जो बाद में शांत हुआ। अब बात करते हैं बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे शक्तिशाली नेता अमित शाह की। हालांकि अमित शाह ने किसी को टारगेट नहीं किया बल्कि उनकी जुबान डिग्री को लेकर फिसली थी। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इनकी थैया थैया उड़ा दी थी। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार चल रहा था, तब उन्होंने छात्रों को 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन कराने की बात कही थी। बाद में इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।
उस वीडियो में अमित शाह कह रहे थे कि मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इसके बाद जो भी 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन देगी। अमित शाह के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जबरदस्त ढंग से ट्रोल किया। लोगों ने तब लिखा था कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन सिर्फ योगी जी की सरकार में ही हो सकता है। एक यूजर ने लिखा, मुझे तो गृह मंत्री जी के इस भाषण से लगता है कि इन्होंने भी 12वीं पास करने के बाद फिर से इंटर किया होगा। वाह रे मेरे देश के गृह मंत्री जी, केवल सत्ता के खातिर कुछ भी बोल जाओगे, कम से कम पद की गरिमा तो रखो। एक अन्य यूजर ने लिखा कि देश के गृह मंत्री को पता ही नहीं है कि 12वीं और इंटर एक ही होता है। जुबान फिसलने या फिर विवादित बयान देने वालों की बात हो और उसमें जीतन राम मांझी का नाम शामिल ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में अब हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात कर ही लेते हैं। ये दोनों ही मामलों में सबसे आगे हैं। एक बार मांझी ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के नाम के साथ साहब लगाकर संबोधित कर दिया था। उस समय मांझी महागठबंधन में थे, इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था कि वाजपेयी सरकार मसूद अजहर साहब को विमान से कंधार नहीं ले गई थी। बाद में जब हंगामा हुआ तो मांझी ने कहा कि जुबान फिसल गई थी। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर भी पटना में विवादित बयान दे दिया था। इसके बाद पूरे देश में काफी हंगामा मच गया था। कई जिलों और राज्यों में मांझी के खिलाफ परिवाद भी दर्ज कराए गए थे। यहाँ तक कि पटना में उनके सरकारी आवास पर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा भगवान राम को लेकर भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। 2022 के अप्रैल महीने में जमुई जिले में अंबेडकर जयंती का आयोजन किया जाना था। इसी कार्यक्रम में उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा कि राम भगवान थोड़े ही हैं, वह तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, इसलिए हम उसे मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। इस बयान पर भी खूब सियासी बवाल हुआ था, लेकिन फिर मामला ठंडा हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।